नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारतीय परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम कॉमर्स वाणिज्य वर्ग जो है उसका 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है हमारा आज का, वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी जो है उसका वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। उसका वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, ये आज हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। बिजनेस एक्टिविटी और सबसे पहले हमने देखा कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये इसके टू पार्ट्स हैं। बिजनेस एक्टिविटीज जो है उनको दो भागों में बांटा जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। क्या है इंडस्ट्री और कॉमर्स, उससे पहले हम जानेंगे कि देखिए, एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है कंज्यूमर। प्रोडक्शन और कंज्यूमर, प्रोडक्शन से किसी चीज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, प्रोडक्शन मतलब चीजों का निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में नई चीजों का निर्माण किया जाता है, प्रोडक्शन में चीजों को निर्मित किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, फिनिश गुड्स तैयार किया जाता है, उनके रंग रूप आकार, उनकी जो शेप एंड साइज है उनके अंदर चेंजेस किया जाता है, उनकी यूटिलिटी में बदलाव किया जाता है, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन में जो हमने तैयार किया उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है उसका जो रिजल्ट होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी का, उस रिजल्ट को कहते हैं प्रोडक्ट। उत्पाद जिसे हम कहते हैं, कोई भी चीज जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी का रिजल्ट क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को हमें कहां पहुंचाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है, उन सभी एक्टिविटीज को हम कॉमर्स कहते हैं। उन सभी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स। कि हाउ वी रीच अकॉर्डिंग आवर कंज्यूमर्स, हम हमारे ग्राहक तक, हम हमारे कस्टमर तक कैसे पहुंचे, हाउ वी रीच टू आवर कस्टमर्स, हमारे ग्राहकों तक पहुंचने की, या हमारे जो उत्पाद जो हमने तैयार किया है उस उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने की जो क्रिया है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक प्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। प्रोडक्शन अलग है, प्रोडक्ट अलग है। प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है और प्रोडक्ट उसके द्वारा एक रिजल्ट है। कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स में प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, इस एक्टिविटी को हम प्रोडक्ट कहते हैं, सॉरी कॉमर्स कहते हैं। उद्योगों की हमने बात की, और उद्योगों के द्वारा कि उद्योग क्या है। ठीक है, कंज्यूमर की बात की, अब उद्योगों के बारे में और थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि उद्योग जो है, इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री प्रकृति से प्राप्त, जो हम नेचर से जो चीजें प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन नेचर से प्राप्त चीजों को यूटिलिटी प्रदान करती है। ठीक है, और यूटिलिटी प्रदान करके नया रूप में, सृजनात्मक रूप से पेश करता है इंडस्ट्री। ये जो प्रिपेयर करता है वो गुड्स प्रिपेयर करता है, तो इंडस्ट्री से जो हमें जो चीज प्राप्त होती है उसे कहते हैं गुड्स, माल कहते हैं।